गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। टुडे वी विल लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट, यूनिट 5, लेसन नंबर 3 इज सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। दिस इज योर सेकंड टर्म पोर्शन। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक पोयम पढ़ाई थी, वीरल अपोजिट, वहाँ से आप लोगों का सेकंड टर्म का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अभी वी विल लर्न अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। सरप्राइज का मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड, यानी जो चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं होती और अचानक हमें वो मिलती है उसको बोलते हैं सरप्राइज। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन। संडे इज ए हॉलीडे, सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा। संडे को सबकी हॉलीडे होती है, आपको भी, आपकी भी स्कूल की ट्यूशन की हॉलीडे होती है, तो संडे के दिन हॉलीडे थी। सोहन स्वीटी, आप ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा यानी दादा दादी से मिलने जा रहे। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना। हेलो ग्रैंड माँ, हेलो ग्रैंड पा। अभी हम किसी से मिलने जाते हैं या हमारे घर में कोई आता है तो हम लोग ग्रीटिंग कैसे करते हैं, उनको कैसे वेलकम करते हैं, सलाम करके। लेकिन यहाँ पर सोहन और स्वीटी ने अपने ग्रैंड माँ को और ग्रैंड पा को कैसे वेलकम की ग्रीटिंग्स दी है, हेलो बोल के। हेलो ग्रैंड माँ, हेलो ग्रैंड पा। ग्रैंड माँ हैज़ बीन बिजी टूडे, शी हैज़ क्लीन्ड ऑल द रूम्स, शी हैज़ विप्ड ऑल द विंडो। तो संडे के दिन आज ग्रैंड माँ बहुत बिजी थी। ये कौन बता रहा है इन लोगों को, ग्रैंड पा बता रहे हैं कि आज ग्रैंड माँ बहुत बिजी थी, आज ग्रैंड माँ ने सारे रूम को क्लीन किया। क्लीन यानी क्या, सफाई करना। और शी हैज़ विप ऑल द विंडोज़, विंडो विप का मतलब क्या है, पूरे विंडोज़ को पोछ के सफाई किए, रूम्स को सफाई किए और विंडोज़ की सफाई किए। आर यू टायर्ड ग्रैंड माँ, लेट्स गिव ग्रैंड माँ अ रेस्ट टूडे, जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट। तो ब्रो सोहन सा और स्वीटी और ग्रैंड पा सब लोगों ने बोले ग्रैंड माँ को कि आप थक गए ना इतना काम करके, सब सफाई करके, तो चलो आज आप आराम करते, आप आराम करो, आज हम आप लोगों को आपको आराम करने देंगे, बस यहाँ पर चेयर पे बैठो और रेस्ट करो। रेस्ट यानी क्या, आराम करना। ओके, अब देखो ग्रैंड पा दोनों को बुला रहे हैं, कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी। ये कौन बोल रहा है, ग्रैंड पा बोल रहे, किसको बोल रहे, सोहन और स्वीटी को। ये कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी यानी सोहन स्वीटी इधर आओ। ग्रैंडपा, सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द किचन, दे आर बिजी। अभी सोहन, स्वीटी और ग्रैंडपा ये तीनों किचन में खाना बनाने जा रहे, तो ये लोग खाना बनाने के लिए तो बिजी रहते हैं ना। और ग्रैंडमा को इन लोग ने क्या बोले कि आप यहाँ पर चेयर पर बैठकर आराम से रेस्ट करो, और ग्रैंडपा, सोहन, स्वीटी ये सब किचन में गए खाना बनाने के लिए। कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी। जब इन लोगों का खाना रेडी हो गया तो सोहन और स्वीटी आए और ग्रैंडमा को बोले कम टू द किचन यानी किचन में आओ और देखो हम लोगों ने क्या क्या बनाए। ओ सूप, सैंडविचेस एंड सलाद, व्हाट ए ट्रीट। तो ग्रैंडपा, सोहन और स्वीटी इन तीनों ने मिलकर क्या क्या बनाया था, सूप, सैंडविचेस एंड सलाद, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बनाई थी मिलके। व्हाट ए ट्रीट यानी कितनी अच्छी पार्टी है। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। तो फिर इन लोगों ने ना, सोहन और स्वीटी ने ग्रैंडमा को पूछा कि आपको बनाना डिलाइट पसंद है। बनाना डिलाइट एक डिश है जिसको मतलब दूध में ये बनानास को बारीक बारीक कट करके डालते और थोड़ा सा शुगर डालते, शक्कर डालते और फिर इसको मिक्स करके खाते, उसको बोलते हैं बनाना डिलाइट। तो उन लोगों ने वो भी बनाया, सूप, सैंडविच, सलाद और बनाना डिलाइट। तो ग्रैंडमा से पूछे कि आपको बनाना डिलाइट पसंद है। ओ आई लव इट। तो ग्रैंडमा ने क्या बोले, यस मुझे बहुत पसंद है। एंड नाउ देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू। फिर सो खाना हो गया, लोग सब ने देखो यहाँ पर बैठकर लंच किए। लंच करने के बाद में इन लोग ने क्या बोले, सोहन और स्वीटी ने कि नाउ देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ग्रैंडमा, ओपन दिस पार्सल। ग्रैंडमा को एक लोगों ने पार्सल दिए और उसको बोले कि, ग्रैंडमा को बोले कि पार्सल को खोलो। ओ ए मोबाइल फ़ोन, व्हाट अ सरप्राइज। तो जैसे ग्रैंडमा ने पार्सल खोली तो उसके अंदर क्या था, मोबाइल फ़ोन था। ग्रैंडमा ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आज मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उनको मिल गया। तो ये ग्रैंडमा के लिए क्या था, एक सरप्राइज़ था। बट तो ग्रैंडमा जब मोबाइल फ़ोन देखी तो खुश भी होती है लेकिन थोड़ी नर्वस भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रैंडमा को मोबाइल फ़ोन चलाने नहीं आता है। ग्रैंडमा, नो बट्स नाउ, आई नो योर प्रॉब्लम, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, बट डोंट वरी, वी विल ऑल हेल्प यू। तो जब सोहम और स्वीटी ने देखे कि ग्रैंडमा मोबाइल फ़ोन देखे खुश तो हुए लेकिन थोड़े नर्वस हो गए, तो वो समझ गए कि ग्रैंडमा क्यों नर्वस हो रहे, क्योंकि ग्रैंडमा को मोबाइल फ़ोन चलाने नहीं आता है। तो सोहम और स्वीटी ने बोले कि कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है ना चलाने, तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है। ओके चिल्ड्रन, लर्न दिस लेसन। ओके, थैंक यू।